बेचने लगे और अपना ये सुरेश कहाँ गया? अरे वो तो शहर गया है, उसका कोई काम निकल आया था। बोल रहा था कि जब तक वो ना आए तब तक मैं ही उसके ठेले का काम कर दूं। पैसे भी तो बहुत उधार ले रखे थे उसने, लगता है कर्जा भरने के डर से भाग गया है। अरे पर वो तो बोल रहा था कि उसने सारा कर्जा उतार दिया है, और वो क्यों भागेगा? इतना तो कमा रहा था। अरे मुझे क्या पता, अरे चाउमीन खाना है तो बोलो, नहीं तो भागो यहां से। अरे हाँ हाँ दे दो दे दो, अब तो चाउमीन खाना पूरे गांव के लोगों के लिए आदत ही बन गया है, ना खाओ तो नींद ना आए। हाँ हाँ तो लो और निकालो 50 रुपए। 50 रुपए? क्यों, सुरेंद्र तो 10 रुपया में देता था। अरे वो पागल था, मैं थोड़ी ना हूं। गांव वाले जिनको चाउमीन की लत लग गई थी वो करते भी क्या, दे दो और ये लो 50 रुपए। लेकिन फिर साहूकार उन लोगों को प्लेट में थोड़ी सी चाउमीन रख देता है। अरे ये क्या, पैसे 5 गुना ज्यादा और चाउमीन बस इतनी सी? अरे साहूकार साहब, भगवान से तो डरो। बस फिर क्या था, साहूकार की मनमर्जी चलने लग जाती है और गांव वाले करते भी क्या। एक रोज मुझे तो लगता है कि सुरेश को साहूकार ने मार डाला होगा, क्योंकि उसका काम इतना अच्छा चल रहा था, फिर वो क्यों जाता? और वो भी साहूकार के हवाले दुकान करके, ना बाबा ना। अगले रोज भाग्यवान देखो तो जरा, इस सुरेश भी ना कितना पागल था। जिस काम से वो ज्यादा पैसे बना सकता था उससे इतने कम पैसे छाप रहा था। 50 रुपए प्लेट में भी गांव वाले खूब खा रहे हैं चाउमीन। हाँ जी, और जितने में वो लोगों को 10 प्लेट खिलाता था, भर भर कर हम लोग उतने में 20 प्लेट बना रहे हैं, क्यों जी? वहीं सुरेश रोज भगवान से मांगता कि बस एक बार वो किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब हो जाए, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकामयाब होती। फिर एक दिन, अरे भाग्यवान ऐसा कुछ करो कि चाउमीन बनाने का खर्चा आधा हो जाए, जिससे हम लोगों को और मुनाफा हो। ना जी, मुझे तो कोई तरकीब ना सूझ रही। मारा सुनो, एक काम करते हैं, चाउमीन बनाने में जो सब्जी लगती है वो मंडी में लेने तुम देर रात चली जाना। तब तक वो सारी सड़ी गली सब्जी जो दुकानदार वहीं फेंक जाते हैं वो उठा कर ले आना फ्री में। अरे बाजी वाह, आप तो बहुत समझदार हैं जी। बीवी वैसा ही करती है, लेकिन अब लोग चाउमीन खाते तो मुंह बनाकर। फिर एक बार, अरे राम राम राम, ये पेट में दर्द काहे हो रहा है? आई 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 आई। हाय रे हाय, मेरा भी पेट दर्द के मारे फटा जा रहा है। आई 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 आई। सभी को शक हो जाता है कि उन लोगों को चाउमीन खाने से ही ये बीमारी हो गई है। वहीं दूसरी तरफ जो आदमी सुरेश की निगरानी कर रहा था वो सो रहा होता है और मौका देखकर सुरेश वहां से भाग जाता है। सुरेश गांव वालों के पास जाकर उन्हें सब कुछ बता देता है। बस अब क्या था, साहूकार के घर पुलिस पहुंच जाती है। चलो, तुमने गांव के लोगों को खराब सब्जी वाली चाउमीन खिलाकर बीमार किया और सुरेश को बंधक बनाया, तुम्हें इसीलिए हम गिरफ्तार कर रहे हैं। साहूकार को पुलिस ले जाती है और फिर अगले दिन से सुरेश का ठेला गांव के बाजार में लग जाता है, जहां अब पहले से ज्यादा भीड़ होती है।